नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। खेल और युवा कल्याण विभाग धार द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 22 अप्रैल से 21 मई तक विकासखंड तिरलासी एम राइज विद्यालय मैदान पर किया गया। खेल प्रशिक्षण के अंतर्गत खो खो एथलेटिक्स खेल प्रशिक्षण दशरथ सिंह सोलंकी एवं अरुण यादव द्वारा दिया गया। खिलाड़ियों को खेल प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। धार से जिला ब्यूरो बगदीराम चौहान की रिपोर्ट। आपका नाम और आपका पद? मेरा नाम कुंग सिंह मनलोई, ग्रामीण विकास समन्वयक विकासखंड तिरला। सर, आपके द्वारा खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा जो ग्रीष्मकालीन खेल आयोजित किया उसके बारे में बताइएगा। हमारे खेल और युवा कल्याण विभाग धार द्वारा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया, जो 22 अप्रैल से 21 मई तक लगातार चला। उसमें एथलेटिक्स और खो खो प्रशिक्षण दिया गया। एथलेटिक्स में श्री दशरथ सिंह सोलंकी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया और खो खो का प्रशिक्षण श्री अरुण यादव द्वारा दिया गया। सर, आगामी आपके कोई कार्यक्रम खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा? लगातार खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा लगातार हर प्रतियोगिता होती रहती है और कोशिश करते हैं कि हर प्रोग्राम अच्छा हो। नाम आपका पद? दशरथ सिंह सोलंकी, उच्च माध्यमिक शिक्षा। खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा जो ग्रीष्मकालीन खेल आयोजित किए गए उसके बारे में बताएगा जी। 22 अप्रैल से 21 मई तक खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का विकासखंड तिरला में आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत एथलेटिक्स और खो खो प्रतियोगिता सम्पन्न हुई। मेरे द्वारा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का प्रशिक्षण दिया गया और अरुण यादव सर द्वारा खो खो प्रतियोगिता के अंतर्गत जिन खिलाड़ियों को पंजीयन किया गया उन्हीं खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस अवसर पर सीएम राय विद्यालय के समस्त स्टाफ का सहयोग मिला। फिलहाल के लिए इतना ही। बुंदेलखंड की ताजा तरीन तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज के साथ।